कैसे? एक बालक, बालक आया महाराज पिताजी से मिलने को ही आए तो पिताजी ने कहा पुत्र से कि अरे बेटा जरा माताजी से कह दो चाय बना देंगे। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया माताजी से कहने लगा कि माताजी वो आए हमको चाय बना दो। अब जो आए थे उनसे कहने लगे जो सज्जन थे क्योंकि भैया तुरंत बालक जब बात मान करके दौड़ा गया तो कहने लगे थे श्रवण कुमार है सारे काम ऐसे कर देता तुरंत भागता है। लेकिन बोले थोड़ी देर बाद कहने लगे बोले बेटा जरा हमारा चश्मा उठा के ला। अरे आप तो कभी माता जी से चाय बनवा के बनवाने के लिए कह के आओ कभी ये काम करो कभी तुम खुद नहीं ले सकते बार बार यही बात। तो फिर क्या बोले महाराज क्या बताएं कलयुग आ गया बच्चा कहे के संग काम करता ही नहीं। क्यों जी अभी तो श्रवण कुमार था अब कलयुग ही बन गया। इस आनंद की चाह में हम पत्नी में बच्चे में हर जगह संसार में खोजते हैं पर वो आनंद कभी मिलता नहीं। और आनंद ही क्यों चाहते हैं क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। हम कौन हैं? आनंद के अंश हैं। वो परमात्मा वो श्री राधा आनंद स्वरूपा है। आपने देखा भी होगा इस संसार में आप कहें कि महाराज एसी कमरा मिल जाए बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए तो सुख मिले आनंद मिले कितने दिन का रहता है कितने दिन का रहता है। बोले जब तक वो चीज मिले नहीं तब तक का रहता है कि हाँ हमें इसमें सुख मिलेगा और जैसे ही मिल जाए कुछ दिन उसके साथ हम बिताएं तो फिर बोले वही चीजें हमें दुख भी देने लगती है। कितना देर रह लोगे एसी कमरे में? बोले महाराज 24 घंटे के बाद में अगर जैसे तैसे 24 घंटे बिता भी लिए तो महाराज 25वां घंटा वो होगा जो हम बाहर निकल करके बाहर की पेड़ों की हवा खाएंगे। कहने का तात्पर्य इस संसार में आनंद है ही नहीं अगर आनंद है तो वो केवल श्री राधा नाम में है श्री राधा गुणगान में है जहाँ हम संसार में सुख मिलता है कुछ समय के लिए लेकिन वही चीज दुख देने लगती है। लेकिन भगवान का श्री हरि का श्री राधा नाम ऐसा है जिसमें हमें पहले दिन कुछ आनंद आता है दूसरे दिन आनंद बढ़ जाता है तीसरे दिन और बढ़ता है यानी नित्य प्रति हरि नाम है भगवत नाम है हमारा आनंद बढ़ने लगता है। वास्तव में सच्चा सुख सच्चा आनंद तो यही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कि गोविंद के चरणों से बड़ा कोई आश्रय कहीं नहीं मिल पाएगा लेकिन फिर भी जीव माया की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि हमें जन्म जन्मांतरों का इसी माया की ओर दौड़ने का अभ्यास है। इसीलिए जब समय से हमें पता चल जाए कि वास्तव में ये संसार है कुछ भी नहीं 3 घंटे की मूवी हो गई है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। 3 घंटे की मूवी होती है फिल्म होती है उसमें क्या बोले महाराज नायक और नायिका होते हैं जो 3 घंटे पूरा मूवी को बनाते हैं वैसे ही ये मूवी चल रही है हमारे सामने 3 घंटे के बाद में वो स्वप्न की तरह रह जाती है होता है कि नहीं। ऐसे ही ये हमारे सामने इस कलयुग में 100 वर्ष वेद के आधार पर हमारे लिए दिए गए हैं। सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1,00,000 वर्ष। त्रेता में बोले 1 शून्य हट गई कितनी रह गई एक शून्य हटी 1,00,000 में से 10,000 वर्ष और 10,000 में से फिर 1 शून्य हटी द्वापर आया कितनी रह गई 1,000 वर्ष और फिर जब द्वापर के बाद में अब कलयुग आया तो फिर 1 शून्य हट गई कितनी 100 वर्ष। ये वेद के आधार पर निर्भर ये वेद के आधार पर निर्धारित है। बाकी अगर देखा जाए तो 100 साल भी व्यक्ति कहां जी पाता है नहीं जी पाता। इस 100 सालों को भी चलो हमने मान लिया कि हमें 100 साल मिले हैं तो हमने कितना समय संसार को दिया कितना खुद के लिए दिया और कितना हमने सोने खाने इन सब चीजों में बिताया थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें। वेद के आधार पर व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष और 1 दिन कितने घंटे का होता है 24 एक दिन भाई बोला करो ये तो सबको पता है एक दिन 24 घंटे का होगा और 24 घंटे में बोले महाराज 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन होता है तो सीधे 50 वर्ष तो चले गए अपने
सोने में बचे कितने? 50 50 वर्ष। और 50 में भी अगर देखा जाए तो ऐसा तो नहीं बालक ने जन्म लिया और माला लेके बैठ गया, नहीं, बोले जन्म लेकर के बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, मम्मी पापा कहना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, कंधों पर स्कूल का बोझ, माना जब पढ़ाई करता है, उसकी सबकी तैयारी करते, बड़े बड़े होते होते हमने स्कूल अपना स्कूल समापन किया, आगे की डिग्रियां हमने प्राप्त की, और उसके बाद में बोले महाराज 25 वर्ष का जब बालक होता है ना तो उसकी जॉब सब कुछ लग जाती है, मतलब अपनी डिग्री लेकर के जॉब भी लग जाती है। 25 वर्ष जब हमारे जॉब लगाते बड़े होते निकल गए तो रहे कितने? 25 वर्ष। और इस 25 वर्ष में भैया जब पढ़ लिख लिए जॉब को लग गए तो अब बोले महाराज ब्याह कर दिया, ससुरारी प्यारी भई जाते, बोले महाराज अब तो विवाह हो गया, अब तो हाथ जोड़ करके जी जी करते वो सारी बातें सुनते हैं। तो महाराज धीरे धीरे करके आगे बच्चे भी पैदा हुए और इतने ही समय में हमारे धीरे धीरे करके समय पता भी नहीं चलता और बुढ़ापा आ गया। अब सोचते हैं कि बेटा बहू तो कुछ पूछते नहीं तो अब थोड़ा ठाकुर जी का नाम जप करें। अरे भैया तुमने संसार तुमने अपना जीवन संसार को दे दिया और अब बुढ़ापा, बोले सोच रहे हैं कि भगवान को दे दें, इस बुढ़ापे को तो संसार भी स्वीकार नहीं करता है, कोई करता है क्या है? संसार भी बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करता है, फिर वो तो प्रभु है जिसने पूरा जीवन दिया, फिर वो कैसे स्वीकार कर लेगा जब तुम लोगों ने उनके लिए न बचपन दिया न जवानी दिया, बुढ़ापा लेकर के चले उनके पास, अब भजन कर ले तब क्या? बोले महाराज जो बूढ़े लोग हो गए हैं ना, जो हो चुके हैं उनसे जरा पूछ के देखना, भी कुछ लोग कहते हैं महाराज अभी तो पढ़ रहे हैं, आगे अपनी जॉब वॉब करनी है, अभी विवाह हुआ है, नए नए बच्चे हैं, अभी कहाँ भजन ध्यान लगाए, संसार में बंधे पड़े हैं, नहीं हो सकता। बोले कब करोगे? बोले बुढ़ापे में करेंगे, जिनको बुढ़ापा आ चुका है ना, दो मिनट के लिए उनसे बात करना कभी समय मिले तो। बोले महाराज कैसा भजन चल रहा है, भजन पूजा पाठ हो पा रही है कि नहीं, क्या जवाब मिलेगा? 5 मिनट भी बैठ जाऊं तो ये घुटने दर्द करने लग जाए, खांसी आने लग जाए, एकाग्रचित ये मन हो नहीं पाता। और भक्ति हमेशा एकाग्र होकर के एक अवस्था में बैठ करके ये होती है, ध्यान तभी तो लगता है, नहीं तो भटकता रहता है। और जो हमारा ध्यान काम की तरफ पहुंच जाए फिर ऐसी भक्ति से कोई लाभ भी नहीं। तो इसीलिए जिस समय हमें ये पता लग जाए कि गोविंद का नाम सब कुछ है, उसी समय बस लग जाओ, कल परसों पल्ले दिन पर मत डालो। क्यों? हर व्यक्ति इस अपने जीवन को कल करूंगा भक्ति में कल लगूंगा और यूं ही बिता देता है। और कल के चक्कर में महाराज कलयुग आ गया पर वो कल नहीं आई कि जिस समय से हम भगवान नाम में चले जाए। कल बीता जाए अब तो हठी लो मन हरि में लगाए, कल जय हो।
नाचा तो बढ़िया शादी जाओ में नाचना है।
I'm not afraid to die.
बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, आऊंगी जाऊंगी और लेके आने लगी।